It's me. Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my vlog. सो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों को अपनी पोल्ट्री फार्म की कुछ चिकन शो करने जा रही हूँ. जैसे कि ये हमारी है बर्मा चिकन और इसके आइज़ में हो गया है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन की वजह से ये बेचारी चिकन ना है कहीं चल सकती है और ना ही कहीं देख सकती है, और इसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है. दुआ कीजिएगा कि जल्दी से ये रिकवर हो जाए और इसका इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाए. कभी कभी ये थोड़ा बहुत मूव कर लेती है और कभी कभी नहीं. और गाइस, ये है हमारी आयाम सिमानी. ये जो आपको नज़र आ रही है तीन चिकन, ये इनका रूस्टर है. रूस्टर्स को भी हो गई है कैल्शियम की कमी, जिसकी वजह से इसने अपनी टेल खा चुका है. और यहाँ पे है हमारी गोल्डन लेग पॉलिश चिकन, जो कि दाना खा रही हैं, ग्रास खा रही हैं और मिट्टी में इंजॉय कर रही हैं. हमारे असील रूस्टर हैं, जो कि इनको हमने बाहर नहीं निकाला. आप देख सकते हैं इनके पाँव में पट्टी भी बंधी हुई है, क्योंकि इनके पैरों में भी ज़ख्म हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इनके पाँव में इस तरह बैंडेज वगैरह बांध देते हैं. तो इसको ग्रास देना था, तो हमने इसको अंदर जाली से ही ग्रास डाल दिया ताकि ये बाहर ना निकले. अगर ये बाहर आ जाता तो ये दूसरों मुर्गियों से भी लड़ लेता, इसीलिए इसको बाहर नहीं निकाला. इसके पाँव में आपको बैंडेज नज़र भी आ रही होगी, दोनों पाँव में बैंडेज बंधी हुई है. ये रहा आयान सिमानी का रूस्टर, जो कि इसकी टेल बहुत ही ज़्यादा इसने खा ली है. जिस तरह आपको दिख रहा है बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन माशाल्लाह से इसकी टेल बहुत बड़ी होती है. लेकिन इसकी कैल्शियम की कमी की वजह से इसने अपनी पूरी टेल खा चुका है. आई होप जल्दी से दोबारा रिकवर हो जाएगी.